बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम समीउल्लाह, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन मैथमेटिक्स एट डीपीएस एंड इंटर कॉलेज साहिबा। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेसन। डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एंड टुडे आवर टॉपिक इज roots and coefficients of quadratic equation, and we will discuss first three questions of exercise 2.3. Dear students, first of all we discuss previous knowledge. First question is, what are ABC in standard form of quadratic equation? डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आंसर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड ए, कोफिशियंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड बी, एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज सी। जो बेटा ए होगा वो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाएगा, एंड जो बी होगा वो कोफिशियंट ऑफ एक्स कहलाएगा, और जो सी होता है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला। आंसर, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। इट इज यूज टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट्स हैं और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं उनके दरमियान आपस में क्या रिलेशन है वो पढ़ने जा रहे हैं हम। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बेटा हमारे पास अल्फा और बीटा रूट्स हों किस इक्वेशन के, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, देन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमारे पास क्या थी, प्लस माइनस। हमने कह दिया कि अल्फा एंड बीटा हमारे पास क्या है, रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो एक को हम अल्फा का नाम दे देंगे और दूसरे रूट को हम बीटा का नाम दे देंगे। तो देखें, अगर हम इन रूट्स को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या कहलाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए प्लस माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। डियर स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों रूट्स को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दें। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, सो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, टू ए आ जाएगा, और ऊपर वाले नॉमिनेटर्स भी आपस में ऐड हो जाएंगे और एज इट वही आ जाएंगे। जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होता है और अगर एलसीएम भी वही आ जाए डिनोमिनेटर ही, तो उसके ऊपर वाले नॉमिनेटर एज इट आ जाएंगे बेटा। माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस माइनस माइनस बी बेटा अगेन प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आगे देखते हैं बेटा, ये हमारे पास प्रीवियस टर्म एज इट आ गई, तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो कैंसिल हो रहा है किसके साथ, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के साथ। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, माइनस बी एंड माइनस बी, वो दोनों ऐड होंगे बेटा, हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस टू बी, और डिनोमिनेटर एज इट आ जाएगा। यहाँ पर टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए। डियर स्टूडेंट, ये हमने
जो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का आपस में सम फाइंड किया है। तो इस तरह अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तो अगर हमने बेटा उनके रूट्स का सम निकालना हो तो हम इसीलिए क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज करके उसके रूट्स का सम फाइंड कर सकते हैं कि उसके रूट्स का सम किसके बराबर आएगा। इसी तरह बेटा हम प्रोडक्ट चेक करते हैं आगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में बेटा क्या होगा, अल्फा बीटा को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास अल्फा क्या है, माइनस बी प्लस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, एंड बीटा बेटा हमारे पास क्या है, माइनस बी माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर बेटा प्रॉपर्टी यूज हो रही है कौन सी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाली प्रॉपर्टी जो है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेटा किसके इक्वल आता है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, और 2a डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर। तो बेटा इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी। तो a की जगह भी बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस बी, तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और दरमियान में हमारे फॉर्मूला में क्या आता है, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस, और नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो आगे देखें बेटा नेक्स्ट टाइम में स्केयर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाना है, बी स्केयर माइनस एज इट, और स्केयर रूट के साथ स्केयर खत्म हो गया तो हमारे पास क्या बनेगा, बी स्केयर माइनस फोर ए सी। आफ्टर सॉल्विंग बी स्केयर माइनस जो है बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाना है, अनलाइक साइन है तो प्लस माइनस माइनस, तो बेटा ओपन करेंगे ब्रैकेट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी स्केयर माइनस माइनस प्लस 4ac। तो बेटा यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है बी स्केयर प्लस बी स्केयर की और माइनस बी स्केयर की, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4ac e ओवर 4a स्केयर। अगेन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 4 से कैंसिल, a a से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, c ओवर a, क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो डियर स्टूडेंट्स हमने अल्फा एंड बीटा लिए थे, रूट्स लिए थे किसके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उनकी हमने सम निकाला और प्रोडक्ट निकाली। तो अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तो इन फॉर्मूलाज को यूज करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की प्रोडक्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, लेट सी व्हाट इज द यूज ऑफ दीज फॉर्मूलाज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल, लेट्स पॉज एन एग्जाम्पल, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। बेटा हमने सपोज कर लिया कि अल्फा एंड बीटा इसके इस इक्वेशन के कोई दो रूट्स होंगे। हेयर ए इज इक्वल टू, कंपेयर कर लेंगे बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, 4 के, एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, 3 के, एंड कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास सी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, माइनस 7 के। डियर स्टूडेंट अगर हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए माइनस बी ओवर ए। तो डियर स्टूडेंट बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 3, एंड ए की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, माइनस 3 ओवर 4। इसी तरह स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो बेटा सी ओवर ए, स्टूडेंट सी ओवर ए, सी की वैल्यू पुट कर देंगे वो हमारे पास आ रही है माइनस 7, और ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, तो माइनस 7 ओवर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, माइनस 3 ओवर 4। स्टूडेंट इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम इजीली किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट सॉल्विंग
find sum and product of roots of the following quadratic equation. बेटा मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, तो जस्ट उन्होंने कहा कि आपने क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही फाइंड करना है विदाउट सॉल्विंग. अगर आपने सॉल्व नहीं करना, जस्ट हम फॉर्मूलाज की मदद से सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे. तो सॉल्यूशन देखते हैं. लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि अल्फा एंड बीटा इस गिवन इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं. हेयर बट हम कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन को किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ. क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट जो है ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, 1 के. एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, -5. एंड कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल है, सी. ठीक है, तो बेटा हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, -P/A. तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा और b की वैल्यू कितनी है, -5. तो -5 पुट कर लिया, a इज इक्वल टू 1 वो पुट कर देंगे फॉर्मूला में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, --+5. 1 डिनोमिनेटर में लिखें ना लिखें बेटा उससे फर्क नहीं पड़ता. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा C/A. तो c की वैल्यू कितनी है, 3. a की वैल्यू कितनी है बेटा, 1. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3. तो डियर स्टूडेंट्स हमने जस्ट क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें. तो बेटा हम जस्ट ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे और इनकी मदद के साथ हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, PX²-QX+R इज इक्वल टू 0. सॉल्यूशन, PX²-QX+R इज इक्वल टू 0. तो जस्ट बेटा हमने इसमें क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है. लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म इज इक्वल टू a इज इक्वल टू p. एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म p इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, -q के. एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, r के. सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A फॉर्मूला. तो बेटा b हमारे पास किसके इक्वल है, -q के. फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा और -Q/A इज इक्वल टू p फॉर्मूला में पुट कर लेंगे तो बेटा --Q/P हमारे पास आंसर आ जाएगा. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A. तो बेटा हमारे पास c की वैल्यू कितनी है, r कांस्टेंट टर्म. एंड p इज इक्वल टू a के इक्वल है तो बेटा a की जगह p लगा लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगी, R/P. फाइव पार्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का. L+M(X²)+M+N(X)+N-L इज इक्वल टू 0. डियर स्टूडेंट ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसमें भी हमने इसका क्या करना है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं. लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म a इज इक्वल टू L+M एंड कोफिशियंट ऑफ लीनियर टर्म b इज इक्वल टू M+N एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू N-L. बेटा फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -P/A. बेटा यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का है और बी की वैल्यू कितनी है, M+N, ब्रैकेट के अंदर आप इसको लिखेंगे, ओवर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L+M. वो फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -M+N/L+M सम ऑफ रूट्स. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A. c इज इक्वल टू N-L एंड a इज इक्वल टू L+M.
बेटा इस तरह अगर आपको कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आप इसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें, तो हम जस्ट इन दोनों फार्मूलाज की मदद से किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2kx² - 3x + 4k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बेटा क्वेश्चन देखें, उसने कहा कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होना चाहिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन 2kx² - 3x + 4k इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, की हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंपेयर करेंगे और हमने कहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। सो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म ए इज इक्वल टू 2k एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म बी इज इक्वल टू -3 एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू 4a। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। बेटा माइनस फॉर्मूले का और b इज इक्वल टू कितना है -3, उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ओवर a की वैल्यू कितनी है 2k, -3/2k आ जाएगा हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू कितनी है 4k और a की वैल्यू कितनी है 2k। फॉर्मूला में पुट करके k k से कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा 2। कंडीशन गिवन है वो यूज़ करेंगे। गिवन कंडीशन क्या थी, सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा किसका, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो बेटा ये हम कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 3/2k के, वो अल्फा प्लस बीटा के नीचे लिखेंगे। इक्वल टू इंटू अल्फा बीटा किसके इक्वल है, प्रोडक्ट रूट्स किसके इक्वल है 2k, बेटा वो पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो सॉल्व करेंगे इसको, 3, 2 2s are 4 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2k उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2k मल्टीप्लाई होने से 4 2s are 8k और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारे पास क्या है 3 है। तो बेटा हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमें यहाँ से 8 ख़त्म करना पड़ेगा। सिंपल डिवाइडेड बाय 8 बोथ साइड वी गेट k इज इक्वल टू 3/8। तो डियर स्टूडेंट, जस्ट इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये वाली कंडीशन को समझना है और इसको याद रखना है क्योंकि उसने कहा है सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट हमारे पास क्या है, ट्वाइस है किसकी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो हम क्या कर लेंगे, सम ऑफ रूट्स इक्वल आ जाएगा ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + 3k - 7x + 5k इज इक्वल टू 0 इज 3/2 times द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी उसने ये कहा है कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें कंडीशन क्या दी गई है कि हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो हैं ऑफ गिवन इक्वेशन इज 3/2 times ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सॉल्यूशन देखें इसका। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन x² + 3k - 7 x + 5k इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी हैव कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म a इज इक्वल टू 1 एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म b इज इक्वल टू
3k minus 7 and the constant term c is equal to 5k. So first of all we find sum of roots alpha plus beta is equal to minus b over a is equal to beta formula ka minus as it and b ki value kitni hai 3k minus 7 over a is equal to 1. a ki jagah pe 1 put kar denge to hamare paas kya aa jayega minus into 3k minus 7. Now we find product of roots alpha beta is equal to c over a. We have value of c is equal to 5k and a is equal to 1. a ki jagah pe 1 laga denge to hamare paas product of roots kya aa jayega alpha beta is equal to 5k. Now condition use kare sum of roots of given equation is 3 over 2 times the product of roots. Alpha plus beta is equal to कितना आ जाएगा हमारे पास 3 over 2 into product of roots alpha beta. बेटा alpha plus beta की value put कर देंगे minus into 3k minus 7 is equal to 3 over 2 alpha beta is equal to 5k. Alpha beta की जगह पे हमारे पास 5k आ जाएगा and by cross multiplication 2 उधर जाके multiply होगा तो हमारे पास क्या आएगा minus 2 into 3k minus 7 is equal to 3 into 5k. 5 3s are 15k and minus 2 को multiply करेंगे bracket के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा minus 2 multiply by 3k minus 6k minus minus plus 2 7s are 14. बेटा आगे इसको simplify करेंगे minus 6k 15k right hand side से left hand side की तरफ आगे minus subtract हो जाएगा minus 6k minus 15k is equal to minus 14 plus 14 left hand side से right hand side की तरफ जाके minus 14 हो जाएगा. After adding minus 6k and minus 15k we have minus 21k is equal to minus 14. The minus minus से cancel हो जाएगी and we have to find the value of k, so we divide by 21 both side, k is equal to 14 over 21. After simplification we have k is equal to 2 over 3. बट इस तरह आपने k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और इसमें आपने इस कंडीशन को याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 ओवर 2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन 4kx2 + 3kx - 8 इज इक्वल टू 0 इज. बेटा अब इसमें भी उसने कहा है कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 4kx2 + 3kx - 8 इज इक्वल टू 0 इज 2. बेटा यहां पे कंडीशन हमें क्या दी गई है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2. बेटा देखते हैं इसका सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. लेट अल्फा एंड बीटा the roots of given equation 4k x square plus 3k x minus 8 is equal to 0. So first of all we compare given equation with standard form of quadratic equation. So the coefficient of quadratic term a is equal to 4k and the coefficient of linear term b is equal to 3k and the constant term c is equal to minus 8. Sum of roots we use the formulas. Sum of roots is equal to alpha plus beta is equal to minus b over a. Now minus b की value कितनी है 3k वो put कर लेंगे. a is equal to है 4k वो उसकी जगह a की जगह put करेंगे. k k से cancel हो जाएगा तो हमारे पास sum of roots क्या आ जाएगा minus 3 over 4. Now we find product of roots. Alpha beta is equal to होता है c over a and हम c की value put कर देंगे minus 8 and a is equal to 4k. तो बेटा 4 8 से कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा minus 2 over k. Now we use given condition sum of square of roots. बेटा roots क्या हैं alpha beta और उनका square करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा alpha का square and beta का square और उनका sum of given equation is 2. तो बेटा alpha का square plus beta का square is equal to 2 आ जाएगा. We know that अब हमने क्या करना है alpha square plus beta square find करना है. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस फॉर्मूला के अंदर यूज होता है वो देखें. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा.
बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस टू अल्फा बीटा। बेटा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है, वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस थ्री ओवर फोर स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस टू इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस टू ओवर के, वो पुट कर लेंगे। स्केयर ओपन बेटा स्केयर लेंगे तो माइनस थ्री का स्केयर कितना आ जाएगा, नाइन, और फोर का स्केयर सिक्सटीन, इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर एज इट, प्लस माइनस माइनस, टू टू आर फोर के। अब बेटा यहाँ से राइट हैंड साइड से माइनस फोर ओवर के को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइन ओवर सिक्सटीन प्लस फोर ओवर के इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। नाउ वी टेक एलसीएम, 16 एंड के कैल्शियम हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 के। इसको बेटा आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ 16 के साथ, तो 16 16 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के। के को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 के। प्लस सिमिलरली एलसीएम को डिवाइड करेंगे नेक्स्ट डिनोमिनेटर के साथ के के साथ, तो के के से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 16 गिवन कंडीशन थी, वहां पर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास क्या है, 9k प्लस 64 ओवर 16k इज इक्वल टू 2। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 16 के राइट हैंड साइड की तरफ जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी और हमारे पास क्या, 9 के प्लस 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 16 के, 64 एज इट प्लस 9 के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 9 के। 2 को बेटा 16 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 के, 64 एज इट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 23k माइनस 9k इज इक्वल टू 23k। स्टूडेंट्स हमने क्या करना था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो वी डिवाइडेड बाय 23 ऑन बोथ साइड एंड वी गेट k इज इक्वल टू 64 ओवर 23। बेटा ये हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा इसके अंदर आपने कंडीशन को याद रखना है, कंडीशन हमारे पास क्या थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बेटा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्केयर ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, 2 के। जो कंडीशन दी जाए क्वेश्चन के अंदर आपने वही यूज करनी है और इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट बेटा आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के आपको 3 पार्ट्स करवा दिए हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क हैं, वो हमारे पास क्या है, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 6 है 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। बेटा इसमें आपने जस्ट क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारे पास क्या है, फाइंड k इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 6। बेटा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। ये भी सिमिलरली वही क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क है, तो ये बेटा आपने करना है। तो अगर आपको बेटा कोई भी कंफ्यूजन हो इस टॉपिक से, इस लेसन से रिलेटेड, तो आप मुझसे ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।